हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि पेन ईयर बाइक किस तरीके से यूज करते हैं। चलो हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लें तो इस तरीके से इंटरफेस होगा। आप इसको एक ऐप से होता है इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, तो हम इस पे ओके करते हैं। कुछ टाइम लग रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको करना होगा सिलेक्ट योर लैंग्वेज, तो आप हिंदी चुन सकते हो। इंग्लिश में दो ही भाषाएं हैं तो आप इंग्लिश चूज करें। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है योर न्यू आइडेंटिटी डिजिटल प्रदान, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। फिनिश कर दिया। सबसे पहले आप एक नंबर ले लें इसमें, अलाउ करते हैं और प्रोसेसिंग पे चलते हैं। नो थैंक्स करते हैं, ओके करते हैं। लोकेशन को एक जीमेल जोड़ना हो तो आप, हमने जोड़ दिया, अब ओटीपी आ जाएगा। अगर मोबाइल इसी में है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सत्रह 21 55, ठीक है, और सबमिट पे कर दें ओके। तो यहाँ पे ये लिखा है लॉग इन नाउ, ठीक है, तो ओके करते हैं। तो फिर दोबारा से हम डालते हैं और उस मैसेज में इसका पासवर्ड इसने भेज दिया है और पासवर्ड इसका नंबर ही रहता है, ठीक है। फिर दोबारा से एक बार ओटीपी आएगी, उसको वेरीफाई कर देंगे, अलाउ कर देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पुराना हमारा जो पासवर्ड था, हमारा नंबर ही था, उसको हम यहाँ डाल देते हैं और एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो हम देख सकते हैं हमने ये पासवर्ड जनरेट किया है। तो यहाँ पे मिस मैच हो रहा है तो आप इसको सही कर सकते हो। तो आपको सबसे पहला जो अल्फाबेट है वो बड़ा लेना होगा, ओके। तो हमने पासवर्ड में बड़ा अल्फाबेट ले लिया है, तो हम बड़ा अल्फाबेट लेकर और लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो पासवर्ड जिस तरीके से हमने किया है, क्योंकि जब पहला वो पासवर्ड बना के भेजते अपनी तरफ से तो वो आपको मोबाइल नंबर ही हुआ, ना कि कुछ और। उसके बाद आपको वो पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड डाल के अपना मोबाइल नंबर उसको चेंज कर लेना होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम लग रहा है, तो
नेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर नाम, तो जो आपका बेसिक डिटेल पूछ रहा है, हाय रिटेलर बेसिक डिटेल्स, इंटरव्यूअर नेम, तो हमारा नाम क्या है, आप नाम डाल लें सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आप शॉप डाल सकते हैं, शॉप क्या है, किराना स्टोर डाल सकते हो, ओके। या फिर आप यहाँ से यहाँ पे डाल सकते हो जनरल स्टोर, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी कोई दुकान नहीं है तो एन ए कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हटा दें, एन ए कर क्लिक कर दें और प्रोसेस पे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका रेफ़ल कोड, अगर रेफ़ल कोड आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्लोर सर्विस पे ओके करते हैं। गो इट करते हैं, गो इट करते हैं और गो इट करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका सब कुछ जो सामने आपके आ चुका है, देखिए। डियर पार्टनर, वी थैंक यू फॉर सर्विंग योर कस्टमर विथ डेडिकेटिव, ठीक है। तो आप बाहर यहाँ पे दिख रहा है, एक तो वॉलेट बैलेंस और ट्रेड बैलेंस। अब यहाँ को ये हो चुका है। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्यूचर मिलते हैं, सर्विस देखिए सबसे पहले, ठीक है। तो सर्विस में आपको मिलता है ट्रांसफ़र मनी, मोबाइल रिचार्ज, आधार विड्रॉ, यूपीआई क्यूआर कोड से आप इसको पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो, एसएमएस से पेमेंट कर सकते हो, माइक्रो एटीएम से कर सकते हो, डीटीएच कर सकते हो, बस बुकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस है, फिर एयर बुकिंग है, टूर एंड पैकेज है, कस्टमर खाता है, उसके अगर डाटा कार्ड है और आधार पे, ठीक है। आपको इतनी सारी यहाँ पे सर्विस दी जाती है। सबसे बाद में आपको ये बता दें कि इसमें जो फंडा है, सबसे यहाँ पे जो ऊपर तीन लाइनें और रेड डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे ओके करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अपग्रेड पैकेज है, इसी का फंड है, आप यहां से आप देख सकते हो कि आपको ये पैकेज में क्या दे रहा है, ठीक है। डाटा स्लो है हमारा थोड़ा, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है वन टाइम पेमेंट, ये फाइनेंशियल सर्विस है, जो फाइनेंशियल सर्विस यूज इन वन टाइम लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये आपको एक हज़ार है, जो एक बार तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बिल कर सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट कर सकते हो, ईपीएस आधार एटीएम है जो, उसके बाद माइक्रो एटीएम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इतने सारे फ्यूचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है एक 2700 रुपये, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र मिल जाएगा और रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, पास है, एक्सेप्ट कार्ड है, एटीएम है और फिंगर स्कैन डिवाइस है और माइक्रो। तो यहाँ पे फिंगर स्कैन डिवाइस, यहाँ पे फिंगर वाला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है बेसिक पैकेज, इसमें आपको सिर्फ आप इसमें तीन ही काम कर सकते हो, एक तो रिचार्ज और बिल, और बिल पेमेंट और बस, तो ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छा है जो आप 1000 का तो कर ही लें, अगर 1000 का नहीं हो रहा है तो आप ये लेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो आपको इसमें मिल के क्या रहा है, इसमें ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। बाकी ये इसमें फ्यूचर्स सही हैं, आप 1000 से ले सकते हो, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे इनवाइट शेयर का, तो यहाँ पे नाउ योर और सर्विस, यहाँ पे बहुत सारी सर्विस आप देख सकते हो, कि कुछ
कौन कौन सी है, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। मनी ट्रांसफर सेवा का उपयोग कैसे करें, यहाँ पे बहुत सारी हैं जो आपको ऑटोमेटिक ही सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ही यूट्यूब है जो इसके इसने बना खुद ले जो पे वाले हैं इन्होंने बना के, ठीक है। उसके बाद कंप्लेंट एंड इंक्वायरी लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके लीडर बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा अपना जो काम वाम करोगे उसके बारे में देख सकते हो। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि GST कितना लगता है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। उसके बाद आता है KYC वाला सिस्टम, जो जैसे हम बता रहे थे कि KYC का, ठीक है। सबसे पहले हम KYC के बारे में बता रहे थे आपको, तो KYC का जो सिस्टम है उसका हम बता रहे थे आपको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके अपने सर्वे प्रोफाइल को कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड है कंडीशंस, यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर आप भाषा और सिक्योरिटी वगैरह है उसको चूज़ कर सकते हो कि आप फिंगरप्रिंट या कुछ भी लगाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया जाता है बाय डिवाइस, आप यहाँ पे एक तो मोर्फो का है जो आपको आप देखें, हम दिखा देते हैं आपको, अमेजन में ले चलता है सीधा ही, कितने का मिलता है, समथिंग समथिंग ये 3,000 का मिलेगा मोर्फो, और 3,000 से भी ज़्यादा का हो सकता है, और एक नीचे और दिया हुआ है वो आपको कम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डिवाइस है जो उसको भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसी के ज़रिए आपको आवश्यकता नहीं कहीं और से, तो हम आपको बता दें, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये है मोर्फो का डिवाइस, तो ये आपको पड़ेगा 3,800 का, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे और ये इसको देखते हैं, ये दूसरा डिवाइस है, ये कितने का पड़ता है, और ये आपको 2,400 का पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनमें से एक मंगा लें, सभी ठीक है, और इसका भी जो गारंटी पीरियड्स है वो भी सेम है, ठीक है। वारंटी पॉलिसी है, 10 डे के बाद रिटर्न कर सकते हो अगर ये सही नहीं चलता है तो, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे उसके बाद हम चलते हैं पीछे की तरफ, हमने आपको बारीकियों से सब चीज़ें बता दी हैं, और डाउनलोड बैनर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बैनर को, सर्विस को कि आपकी यहाँ पे सर्विस है जो डोमेस्टिक है, जो भी आपने किया है उस बैनर को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जितना भी आपने यहाँ पे काम किया है, आप अगर कोई बैनर वगैरह लगाना चाहते हो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल चुकी हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर की तरफ है जो यहाँ फाइल में, तो इस फाइल में जाकर सबसे पहले अपन आप पैन नंबर डाल दें, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दें और लोकेशन इंटर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकेशन आ रहा है तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस लाइन है जो आप बिल्कुल एक्यूरेट डाल देंगे, ओके। तो देखो यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे एग्री पे कर सकते हैं, और अगर यहाँ से आप शॉप लोकेशन चेंज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये इनवैलिड बता रहा है, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी शायद, बाई मिस्टेक दिक्कत आई है, तो कंफर्म कर दिया है,
और ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका जो सिस्टम है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये डिटेल तो करना ही होता है जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब ये जो है वो हट चुका है, जो यहाँ पे डॉट का निशान दिख रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रांसफर पर देखें ओके करके, तो यहाँ पे कुछ लिखा है बैंक डिटेल इज नॉर्मल। तो आप यहाँ पे सबसे इसमें आपको सब कुछ दिखने मिल जाएगा, जैसे नाम है जो सेम आधार कार्ड पे वही आपने डाला हुआ है, मोबाइल नंबर है, जीमेल है, तो शॉप का नाम है, स्टोर टाइप है तो लोकेशन है शॉप की, ठीक है। तो उसके बाद आता है केवाईसी। तो यहाँ पे हम फोटो डाल देते हैं, ठीक है। तो फोटो के लिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं, पैन कार्ड को, और पैन कार्ड का फोटो हम लगा देते हैं इसमें। तो ये हमने इसको आप क्रॉप कर सकते हैं जितना इसका साइज उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने अपलोडिंग कर दिया है। अगर सही नहीं आया तब दोबारा से कर सकते हैं इसको। तो इसको ओके करते हैं। तो इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं बिल्कुल, ये ठीक है, ये हो चुका है, देखिए ठीक है। सीधा और सबमिट पे कर दें। डॉक्यूमेंट्स ऐड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखा हुआ एक डू सेल्फ DTI KYC, एक डू कंपनी। तो आप कौन सी इसमें KYC करना चाहते हो, तो KYC के हम प्रोसेस बता रहे हैं, यहाँ पे जाएं। उसके बाद आपको कंप्लीट KYC हो जाएगी, आपको आधार देना होगा, ठीक है। तो आधार देने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं, हम पीछे आ गए बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स पे आते हैं, तो बैंक यहाँ पे दिख रहा है, बैंक डिटेल्स दे सकते हैं। तो KYC ऑप्शन है, तो KYC को ऑप्शन पूरा करने के लिए हम सबसे पहले इसको चालू करते हैं और इसमें चूज कर लेते हैं आईडी प्रूफ क्या है। हाँ तो इसमें एक ही आईडी प्रूफ जाएगा जो कि ये है, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से कोशिश करते हैं। कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा था तो कोई प्रॉब्लम थी शायद, की वजह से हमें दिक्कत आ रही थी शायद। ठीक है, तो ये लोडिंग हो रहा है। क्रॉप कर देते हैं बैक, ठीक है। उसके बाद में नीचे का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा,
सबमिट पे करते हैं। ओके अपलोडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। कुछ ही टाइम लग रहा है, ये देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। ठीक है, तो ये प्रोफाइल पे हम चले गए। तो ठीक है, एक्टिवेट हो चुकी है, या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक, तो बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए अकाउंट नंबर डालें, उसके बाद सेम दूसरा अकाउंट नंबर डाल दें। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैनर है, साइड में आपको बैंक डिटेल दिख रही है। बैंक डिटेल जब भी आप इसमें सबमिट करना, जब इसमें आपका नंबर वही रजिस्ट्रेशन हो बैंक में जो इसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अन्यथा आपका नहीं हो पाएगा। फिर आप ये को कि आपने बताया नहीं डिटेल में, तो ठीक है, मैं जो मेरा बैंक में था वो नंबर नहीं था सबमिट, इसलिए नहीं हो पाई वेरीफाई। तो आप इसको डाल सकते हो, वही नंबर जो बैंक में डिटेल में बैंक में दिया हुआ वेरीफाई हुआ, और जो इसमें है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया नियर पे वाई में, वही नंबर इसी में डालें, तभी जुड़ पाएगा। ठीक है, और वेरीफाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।